जब आपके पास समय कम हो और आपको फटाफट से कुछ नाश्ता बनाना हो तो ये रेसिपी आपको बहुत ही काम आएगी। तो ये जो नाश्ता है इसको बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 1 कप पोहा। तो यहाँ पर जो मोटा वाला पोहा आता है ना, उसी का आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो पहले हम यहाँ पर इस पोहा को पानी से अच्छे से वॉश कर लेते हैं और फिर इसको वॉश करने के बाद हम इसको एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे। अब हमें यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इस पोहा को हम लगभग 2 से 3 मिनट के लिए इस पानी में भिगो कर रखेंगे ताकि ये जो पोहा है ये सॉफ्ट हो जाए। इन पोहा को हम सॉफ्ट इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम इसको बाद में एकदम ही आसानी से मैश कर सके। यहाँ पर पोहा को पानी में भिगोए हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो चुकी है, तो अब हम इसमें से सारा पानी स्ट्रेन कर लेंगे। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अब ये जो पोहा है ये कितना सॉफ्ट हो चुका है, यानी कि अब ये बहुत ही आसानी से मैश हो पा रहा है। तब हमें यहाँ पर इस पोहा को एकदम ही अच्छे से मैश करना है। इसको हम तब तक मैश करेंगे जब तक ये एकदम ही स्मूथ नहीं हो जाता। और जब आप इसको हाथों में रखकर ऐसे दबाओगे तो ये एक दूसरे के साथ ऐसे अच्छे से जुड़ जाना चाहिए। यहाँ पर पोहा को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, तो अब हमें यहाँ पर चाहिए 2 उबले हुए आलू। और इन आलूओं को मैंने पहले से ही मैश करके रखा हुआ था। आप चाहो तो यहाँ पर इन आलूओं को ग्रेट करके भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आलू के कोई भी बड़े बड़े टुकड़े ना रह जाए। फिर हमें यहाँ पर डालना है 1 बड़ी चम्मच नमक, या फिर आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा नमक का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि जो पोहा और जो आलू है वो दोनों फीके होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर नमक का इस्तेमाल थोड़ा सा ज्यादा करें। अब मैं यहाँ पर इस पर डाल रहा हूँ 2 से 3 बारीक कटी हुई ग्रीन चिलीज, यानी कि हरे मिर्च। अगर आप ये रेसिपी अपने बच्चों के लिए बना रहे हो तो यहाँ पर हरे मिर्च की मात्रा कम रखें। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1/2 इंच जिंजर, यानी कि अदरक। और ये जो अदरक है ना, इसको मैंने एकदम ही बारीक बारीक कट कर लिया था। आप चाहो तो अदरक को भी यहाँ पर ग्रेट करके डाल सकते हो। फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर, यानी कि धनिया। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, तो मसालों में हमें यहाँ पर पहले चाहिए 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ताकि हमारा जो नाश्ता है ये थोड़ा सा तीखा बन पाए। फिर इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, यानी कि कोरिएंडर पाउडर। अब मैं यहाँ पर इसमें डाल रहा हूँ 1 छोटी चम्मच चाट मसाला। यहाँ पर चाट मसाला के बजाय आप अमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो, या आप चाहो तो यहाँ पर नींबू का रस भी थोड़ा सा डाल सकते हो ताकि हमारा ये जो नाश्ता है ये खाने में थोड़ा सा चटपटा लग सके। अब यहाँ पर मैं इसमें डाल रहा हूँ 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, यानी कि रोस्टेड क्यूमिन पाउडर। और फिर हमें यहाँ पर डालना है 1 बड़ी चम्मच शुगर, यानी कि चीनी। यहाँ पर चीनी डालना वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन हम यहाँ पर चीनी को इसलिए डाल रहे हैं ताकि इस नाश्ते का जो टेस्ट है वो बैलेंस हो जाए। चलिए, यहाँ पर हमने सारी चीजों को डाल दिया है, तो अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स और मैश करेंगे। तो लीजिए, यहाँ पर हमारे जो स्टफिंग है ये बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर इस स्टफिंग में से ऐसे मीडियम साइज के बॉल्स बनाएंगे। आपको यहाँ पर हाथों में तेल वगैरह लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये जो बॉल्स है ये एकदम ही आसानी से बन जाएंगे। और एक और चीज का यहाँ पर ध्यान रखें कि आपको एकदम ही बड़ी बड़ी साइज के बॉल्स नहीं बनाने हैं, वरना उनको फ्राई करने में काफी टाइम लग जाएगा। तो ऐसे मीडियम साइज के बॉल्स ही यहाँ पर परफेक्ट रहेंगे। तो बस इसी तरह मैंने बाकी सारे बॉल्स को भी बनाकर रेडी कर लिया है, तब हम यहाँ पर इनको फ्राई करेंगे। लेकिन इसको फ्राई कैसे करना है ना, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको ठीक तरीके से फ्राई नहीं करोगे तो ये तेल में जाने के बाद खुल जाएगा और आपकी जो सारी मेहनत है वो भी वेस्ट हो जाएगी। तो पहले तो आपका यहाँ पर जो तेल का तापमान है वो काफी अच्छे से गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका तेल गर्म नहीं होगा और उसमें आप ये बॉल्स ऐड कर दोगे तो फिर ये जो बॉल्स है ये फट जाएंगे। तो जब आपका तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसी के बाद आप यहाँ पर इसमें एक एक करके ये बॉल को ऐड करते जाइए और एक साथ आप 4 या 5 बॉल्स को ही फ्राई करें। अगर आप यहाँ पर इसमें एक साथ बहुत ज्यादा बॉल्स को ऐड कर दोगे तो क्या होगा कि जो तेल का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा और फिर वापस ये जो बॉल्स है ये फट जाएंगे। अब आपको यहाँ पर इन बॉल्स को मीडियम या हाई फ्लेम पर तब तक फ्राई करना है जब तक ये सुनहरे यानी कि गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी नहीं हो जाते। चलिए, यहाँ पर अभी जो बॉल्स है ये अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, तब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। और इसी तरह आपको बाकी सभी बॉल्स को भी फ्राई करके रेडी करना है। तो लीजिए, यहाँ पर ये बहुत ही आसान और फटाफट से बनने वाला आलू और पोहा का नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। तो कैसी लगी आपको ये नाश्ते की रेसिपी?